इंडिया गठबंधन के टारगेट पर शिवराज सिंह चौहान। पहली रैली भोपाल में, रैली के तुरंत बाद होगा चुनाव का ऐलान। अक्टूबर के पहले सप्ताह में भोपाल में होगी इंडिया की संयुक्त रैली। इंडिया गठबंधन अपनी पहली रैली भोपाल में करने की तैयारी में है। इंडिया ने फैसला लिया है कि शिवराज सिंह चौहान को ही सबसे पहले टेंशन देनी है और रैली से पहले कांग्रेस अपने उम्मीदवार भी घोषित कर देगी। यानी कांग्रेस के चुनाव प्रचार में तेजी इंडिया गठबंधन की रैली के साथ आएगी। शरद पवार के घर पर इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक हुई थी और इस बैठक में साफ हो गया है कि अब और देर नहीं की जाएगी, अब सीधे मैदान में उतरा जाएगा और पहला टारगेट वहां होगा जहां पहले चुनाव होगा। जिन 5 राज्यों में नवंबर दिसंबर में वोटिंग होनी है उनमें सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, जहां 29 लोकसभा सीटें दांव पर हैं और ये सीट इंडिया और एनडीए दोनों के बीच बेहद जरूरी है। 2018 में एमपी के 29 में से 28 पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ किसी तरह से छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस का खाता खोल पाए थे। मध्य प्रदेश में मिली बुरी हार के चलते कांग्रेस की सरकार भी चली गई थी। ऐसे में कांग्रेस ने अब बीजेपी को उसके इसी गढ़ में चुनौती देने का फैसला किया है और सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाली इस जनसभा की पूरी तैयारी अब कांग्रेस के पास ही रहेगी, क्योंकि इस राज्य में कांग्रेस ही सबसे मजबूत पार्टी है। राज्य में मुख्य विपक्षी दल है, 3.5 साल पहले वो सरकार में थी लेकिन सिंधिया के दर बदल के चलते सरकार चली गई थी। अब भोपाल में इंडिया गठबंधन के 28 दल जुटेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज भी करेंगे। इंडिया गठबंधन बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीट शेयरिंग को लेकर जरूर कोई फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि ये मामला आसान भी नहीं है। वैसे दिल्ली सरकार पे मंत्री और आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने जरूर बता दिया कि सीट शेयरिंग के मामले में आप ज्यादा अड़ियल रुख अपनाने पाए। वैसे दिल्ली सरकार पे मंत्री और आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने जरूर बता दिया कि सीट शेयरिंग के मामले में आम आदमी पार्टी ज्यादा अड़ियल रुख नहीं अपनाएगी और ना ही इंडिया गठबंधन के दूसरे दल सख्त रुख दिखाएंगे। अगर थोड़ा बहुत नुकसान सीट शेयरिंग को लेकर होता है तो उसे स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि पहली चुनौती मोदी सरकार को हटाने की है। पीएम कौन बनेगा ये बाद में देखा जाएगा। वैसे दावेदारी कोई भी कर सकता है, कौन सा दल होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसका नेता प्रधानमंत्री बने। फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन जो भी फैसला हुआ है उससे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जरूर चिंता में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रैली के सहारे भले ही पीएम मोदी पर निशाना साधा जाएगा, मुद्दा रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार को बनाया जाएगा, लेकिन रैली की सफलता का सबसे बड़ा नुकसान शिवराज सरकार को ही होगा, क्योंकि चुनाव पहले विधानसभा का होना है। ऐसे में अब बीजेपी को भी इंडिया गठबंधन की रैली को काउंटर करने की तैयारी शुरू करनी होगी और इस बात के संकेत भी मिलने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी की रैली भोपाल में कराने की तैयारी भी शुरू हो गई है, लेकिन पहले इंडिया गठबंधन की रैली कार्यक्रम देखा जाएगा, उसके बाद पीएम की रैली का प्लान सामने आएगा। दरअसल इस बार मध्य प्रदेश में चुनावी मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के इंटरनल सर्वे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश से मुकाबला बेहद कांटे का है, मामला किसी के पक्ष में भी नहीं जा सका। स्थिति 2018 जैसी दिखाई दे रही है। इस बीच दिल्ली में इंडिया की मीटिंग को लेकर वेणुगोपाल ने कहा कि सीट शेयरिंग पर जल्दी बातचीत शुरू होगी। इस बीच बताया जा रहा है कि मीटिंग में नेताओं ने जल्द सीट बंटवारे का फॉर्मूला मांगा है। अभी यह तय किया जाना बाकी है कि लोकसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ एक संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा किया जाए। कई नेताओं ने कहा कि सीट शेयरिंग के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।